हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा फ्रांस और यूरुग्वे के बीच में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का क्वार्टर फाइनल मैच, जो कि रसिया में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, साथ में कुछ बड़े चेंजेज हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। सबसे पहले बात करें इन दोनों टीमों की आपस में रिकॉर्ड्स की, तो लास्ट 5 मैचों में यूरुग्वे ने एक मैच जीता है, वहीं फ्रांस ने एक भी मैच नहीं जीता और 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग यूरुग्वे का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अगर करेंट सिनेरियो और फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो फ्रांस की टीम थोड़ी सी मजबूत दिख रही है इन कंपैरिजन ऑफ यूरुग्वे। तो फ्रेंड्स, ये कांटे का टक्कर आपको देखने को मिल सकता है क्वार्टर फाइनल में, बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें बड़े ही अच्छी हैं। वही बात करते हैं फ्रांस की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। तो लॉरिस गोलकीपिंग करते हुए नजर आएंगे, डिफेंडर के तौर पर पवार्ड, वरेने, उमटीटी, हर्नैंडेज, मिडफील्ड में कांटे, टोलिसो मटुइडी की जगह पे जो कि सस्पेंड किए गए हैं, 2 येलो कार्ड मिलने के बाद आज का मैच नहीं खेलेंगे, जो क्वार्टर फाइनल है, तो टोलिसो उनकी जगह पे आए हैं। फिर पोगबा, बापे, गेरिजमानी और जीराउट। तो ये फ्रेंड्स स्टार्टिंग 11 फ्रांस की रहने वाली है। अब आइए बात करते हैं यूरुग्वे की। तो मुसलेरा गोलकीपिंग करते हुए नजर आएंगे, डिफेंडर के तौर पर कैसेरस, गॉर्डिन, गिमिनेज और डिएगो लैक्साल्ट। वहीं मिडफील्ड में नैंडेज, वसीनो, बेंटकर, टोरेरा और एस्टुआनी। फ्रेंड्स, बता दूं, जैसे कि आप पिछला मैच आपने देखा होगा यूरुग्वे का, जो कि अर्जेंटीन पोर्टुगल के अगेंस्ट था, जिसमें कवानी ने 2 गोल स्कोर किए थे, तो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से वो बाहर चले गए थे और अभी भी फिट नहीं हो पाए हैं, और उम्मीद है कि मैच क्वार्टर फाइनल तक वो फिट नहीं हो पाएंगे। बहुत कम चांस है, 90% चांस है कि वो फिट नहीं हो पाएंगे, 10% चांस है कि वो फिट हो जाए, तो ना के बराबर उनका चांस है इस मैच में खेलने का। तो उनकी जगह पे एस्टुआनी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं लुइस सुआरेज। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग 11 आपको यूरुग्वे की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई दोनों टीमों की स्टार्टिंग 11। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। मैंने ऑलरेडी बना लिया है टीम, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, तो एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आपके पास गोलकीपर में 2 ऑप्शन, ह्यूगो लॉरिस और फर्नांडो मुसलेरा, दोनों ही अच्छे गोलकीपर हैं, लेकिन आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो मुसलेरा, जो कि काफ़ी अच्छी गोलकीपिंग करते हैं, तो आप मुसलेरा के साथ जाएं। वैसे फ्रांस के लॉरिस के साथ भी जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं होना चाहिए, ये भी अच्छे गोलकीपर हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ 19% लोगों ने रखा, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं लॉरिस को। वहीं बात करें डिफेंडर्स की, तो मैंने सिर्फ 4 डिफेंडर्स, बेंजामिन पवार्ड, मार्टिन कैसेरस, डिएगो गॉर्डिन और राफेल वरेने, ये 4 मैंने पिक किए हैं, 4 बेस्ट डिफेंडर्स। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है सैमुअल उमटीटी, एक बेहतरीन डिफेंडर है फ्रांस के, आप इनको रख सकते हैं। जोस गिमिनेज यूरुग्वे के, इनको रख सकते हैं आप, बेहतरीन ऑप्शन है जोस गिमिनेज। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास ल्यूकस हर्नांडेज, ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन थे डिफेंडर में, और डिएगो लैक्साल्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई डिफेंडर्स की बात। अब आइए बात करते हैं मिडफील्डर्स की। तो मैंने सिर्फ 3 मिडफील्डर्स, रोड्रिगो बेंटाकुर, एनगोलो कांटे और तीसरा मैंने फ्रेंड्स मटियास वेसिनो, ये 3 मेरे मिडफील्डर्स को पिक करा। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है पॉल पोगबा, क्रेडिट ना होने की वजह से मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। अगर आप क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हैं तो ज़रूर रखें, बड़े ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है बता दूं, ब्लाइस मटुइडी को अपना रखें प्लीज़, ये सस्पेंड किए गए हैं तो इस मैच में नहीं खेलेंगे। आपके पास टोलिसो इनकी जगह पे खेलते हुए नजर आएंगे, तो क्वारंटीन टोलिसो को रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है नैंडेज को आप रख सकते हैं अपनी टीम में, और ल्यूकस टोरेरा। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शन है मिडफील्ड में जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं स्ट्राइकर्स की बात करें, मैंने 3 स्ट्राइकर, लुइस सुआरेज, एंटोनियो ग्रेजमान और काइलियन बाप्पे, ये 3 को मैंने पिक कर लिया है। एडिसन कवानी रिस्की हैं, इसलिए मैंने इनको टीम में नहीं रखा है, बहुत कम चांस है, रेयर केस में ये खेल सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये मैच खेलेंगे और उनकी टीम इन पे रिस्क लेना चाहेगी इनके इंजरी पे।
अब देख सकते हैं कवानी को 55% लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन ये घटता जाएगा जैसे जैसे मैच करीब आता जाएगा। तो आप इनको स्किप करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो किसी एक टीम में डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आज का मैच खेलेंगे। तो आप इनकी जगह पे क्रिस्टियन एस्टुवानी खेलते हुए नजर आएंगे, इनको रख सकते हैं, और ओलिवर जिराउड ये एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। तो ये हो गई फ्रेंड्स स्ट्राइकर्स की बात। अब आइए बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने काइलियन बाप्पे को बना दिया जो कि बेहतरीन फॉर्म में है, और वाइस कैप्टन मैंने डिएगो गॉर्डिन को बना दिया है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है फ्रेंड लुइस सुआरेज एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। एंटोनियो ग्रेजमान इनको रख सकते हैं, एनगोलो कांटे या रोड्रिगो बेंटाकुर। फ्रेंड बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन जिसे भी बना दे। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी तबीयत ख़राब है। आइए एक बार प्रीव्यू देख लेता हूँ। एफ मुस्लेरा, बी पवार्ड, डिएगो गॉर्डिन, एम कैसेरस, आर वेरेने, आर बेंटाकुर, एनकांटे, एम वसीनो, लुइस सुआरेज, एंटोनियो ग्रेजमैन और काइलियन बाप्पे। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाए उससे आप जीते ही। एक दो चेंजेज बहुत सारे आज के मैच में ऑप्शन है, तो आप एक दो चेंजेज कर सकते हैं करना चाहें तो, और कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्रेंड्स खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।